हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद क्रिशन पर। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आज हम करेंगे 50 वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वो भी पिक्चर्स के साथ। पिक्चर्स के साथ इस लेसन को करने का फायदा ये होगा कि आप हमेशा के लिए इनको ध्यान रखेंगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप इन्हें भूलेंगे नहीं आसानी से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं हम आज का लेसन। फर्स्ट इज एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब होता है अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ देना, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। आपने देखो होगा कई बार कोई पॉलिटिकल फिगर या पहले किंग हुआ करते थे और जब अपनी मर्जी से कोई गद्दी को छोड़ दे तब हम उसे क्या बोलते हैं, एबडिकेट। इस इमेज को देखकर इसका मीनिंग भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आप इसको भूलोगे नहीं। तो देखते हैं अपना सेकेंड इज एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जिसे समझना मुश्किल हो, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखते हैं थर्ड इज अकोस्टिक्स। अकोस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि शास्त्र, मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की जब साइंटिफिक तरीके से स्टडी की जाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, अकोस्टिक्स। देखते हैं अगला। फोर्थ इज एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा देना या और बिगाड़ देना, टू मेक वर्स और सीवियर, किसी स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो, एक पर्सन दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, गुस्से में दिखाया गया है, और ऊपर से एक फ्लाई, एक मक्खी उसको आके और ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब कि उस स्थिति को और ज़्यादा खराब कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे एग्रावेट। देखते हैं अगला। फिफ्थ इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा पर्सन जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करे, उसे शक हो कि भगवान है भी या नहीं है। आप सभी ने मूवी देखी होगी OMG ओ माई गॉड, उसके अंदर एक कैरेक्टर का रोल प्ले करा था परेश रावल ने, और वो एक ऐसा पर्सन था जिसको भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। इट मीन्स वी कैन से ही वॉज एन एग्नोस्टिक पर्सन। लेट्स सी द नेक्स्ट। सिक्स्थ इज अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है किसी अपराध में सहयोग देने वाला, इट मीन्स एन एसोसिएट इन क्राइम। एक ऐसा पर्सन जो क्राइम में साथ देता है उसे हम बोलते हैं अकम्प्लिस। देखते हैं अगला। सेवन्थ इज एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली जीवन वृत्ति। इट मीन्स अ पेमेंट ऑफ मनी अलाउड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। जब हस्बैंड एंड वाइफ तलाक ले लेते हैं, ये लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं, तब हस्बैंड क्या करता है, उसको धनराशि देता है जो कि कोर्ट के द्वारा अलाउ की जाती है, किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। एट्थ इज एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए काम करता हो, दूसरों की हेल्प करता हो और अपने बारे में ना सोचे, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, परोपकारी इंसान। इन इंग्लिश वी विल से एल्ट्रुइस्ट। देखते हैं नाइन्थ, अबैटुअर। अबैटुअर का मतलब होता है कसाई खाना, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर मीट। एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को किल किया जाता है, किसके लिए, मीट के लिए, तो उस प्लेस को हम बोलेंगे अबैटुअर। देखते हैं नेक्स्ट। टेंथ इज एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस इज अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को कुशलता के साथ यूज कर सके, अपने लेफ्ट हैंड को भी और अपने राइट हैंड को भी। आपने मूवी देखी होगी 3 Idiots, उसमें बोमन ईरानी ने जो डॉक्टर वीरू का रोल प्ले करा है, उसमें उसे एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन दिखाया गया जो कि अपने दोनों हाथों को कुशलता के साथ एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। देखते हैं अब अपना अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 11th इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से अधिक अर्थ हो, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ऐसी कोई चीज जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले, उसमें हमें लगे कि मे बी इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे एम्बिगुअस। 12th इज एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब होता है स्मृतिहीनता, मीन्स पार्शल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो, तो उसे हम बोलते हैं एमनीशिया। देखते हैं अगला। 13th इज एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है युद्ध सामग्री, आर्टिकल्स यूज्ड इन चार्जिंग फायरआर्म्स।
फायर आर्म्स जैसे कि गन्स वगैरह जो होती हैं उनको चार्ज करने के लिए, उनको भरने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कारतूस का यूज़ करते हैं या बुलेट्स का यूज़ करते हैं, यानी बुलेट्स वगैरह को हम क्या बोलते हैं, एम्यूनिशन। देखते हैं 14th। 14th इज एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सके। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। आपको पता है टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और ये फ्रॉग्स वगैरह जो है ये क्या है, एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। 15th देखते हैं। 15th इज अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, अ लेटर, पोयम, etc. हुज ऑथर इज अननोन। कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसी बुक वगैरह जिसके ऑथर का नाम ना पता हो उसे हम बोलते हैं अनोनिमस। 16th देखते हैं। 16th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कविता संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कोई ऐसा पोएट या ऐसे पोएट्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पोएट्स हो सकते हैं जिन्होंने पोएम का एक कलेक्शन बनाया हो तो उसे हम बोलेंगे एंथोलॉजी। 17th इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की, ह्यूमन बींग्स की जो स्टडी की जाती है उस फील्ड को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और जो मानव की स्टडी करते हैं, मैनकाइंड की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखते हैं 18th। 18th इज अपोस्टेट। अपोस्टेट एक ऐसा पर्सन होता है जो धर्म को त्याग देता है। वन हु अबैंडन्स इज रिलीजियस फेथ। जिसको अपने धर्म में बिलीव नहीं रहता, उसको छोड़ देता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं अपोस्टेट। 19th देखते हैं। 19th इज एपिकल्चर। एपिकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ऑफ बी। बी को जो लोग पालते हैं उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एपिकल्चर। 20th देखते हैं। 20th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ, अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज। कोई ऐसी दो पार्टीज या दो गुटों के बीच में जब कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। देखते हैं 21st। 21st इज आर्चिव। आर्चिव इज अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। पिक्चर में देख के आप आसानी से इसको समझ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आर्चिव किसे बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 22nd इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, द आर्ट ऑफ टेलिंग द फ्यूचर बाय द स्टडी ऑफ द स्टार्स। कई बार हम एस्ट्रोलॉजर के पास अपना हाथ दिखाने, अपना भविष्य दिखाने जाते हैं, तो जो उसका काम है, जो वो प्रैक्टिस है, उसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं, उसी आर्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। 23rd इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है खगोल विज्ञान, द साइंस ऑफ स्टार्स एंड यूनिवर्स। यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कन्फ्यूज मत होना। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोनॉमी का मतलब है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का मतलब ये एक ऐसी साइंस है जिसमें प्लैनेट्स की और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं या यूनिवर्स की, इसमें स्टडी की जाती है, और जो इसकी स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर। देखते हैं अब अपना अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 24th इज अजाइलम। अजाइलम इज अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी। अजाइलम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोगों को शरण दी जाती है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, उनको रखा जाता है। देखते हैं 25th। 25th इज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात डॉक्टरी परीक्षण, इसको आप पोस्टमार्टम भी बोलते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डेथ। किसी की डेथ के बाद जब बॉडी को उसके एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम। देखते हैं 26th। 26th इज अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास ना रखे, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। और इसी का अपोजिट हो जाएगा थीस्ट, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास रखता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 28th इज एवियरी। एवियरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट।
जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। हम कई बार जू में गए हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे किस तरीके का प्लेस होता है, एक केज होता है बड़ा सा जिसके अंदर बर्ड्स को रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट इज अ पर्सन हु हैज अबंडेंस ऑफ मनी, मतलब समृद्ध, एक ऐसा इंसान जिसके पास भरपूर पैसा हो, खूब सारा पैसा हो और उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, एक समृद्ध इंसान को हम बोलते हैं एफ्लुएंट। देखते हैं अगला। हमारा तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एवरिशियस। एवरिशियस इज अ पर्सन हु इज ग्रीडी, जो लालची इंसान हो उसे हम बोलेंगे एवरिशियस। देखते हैं अब अपना अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं 31st। 31st इज बैंक्रप्ट और इंसॉल्वेंट, इसका मतलब होता है दिवालिया। एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्जा ना चुका पाए तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं 32nd। 32nd इज बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाका, जिसको लड़ने का बहुत शौक हो और बात बात पर लड़ने लग जाता हो, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, उसे हम बोलेंगे बेलिकोज। अगला देखते हैं। हमारा 33वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, अ लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा पर्सन जिसको बुक्स पढ़ना, उनके बुक्स के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसे हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल। अगला देखते हैं। 34th इज बिगैमी। बिगैमी इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स, दो शादी की प्रथा जो होती है उसे हम बिगैमी बोलते हैं। इसके अंदर दो वाइफ्स भी हो सकती हैं या दो हस्बैंड्स भी हो सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 35th इज बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो धर्म के मामले में कट्टर हो, जिसकी थिंकिंग क्या हो, बहुत ज़्यादा नैरो हो अपने रिलीजियस व्यूज को लेके, अपने रिलीजन को लेके, अ पर्सन हैविंग नैरो रिलीजियस व्यूज। देखते हैं अगला। 36th इज बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल एक ऐसा पर्सन होता है जो दो भाषाएं जानता हो, अ पर्सन हु नोज टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं जानता है उसे हम बाइलिंगुअल बोलते हैं, और दो से जो अधिक भाषा जानता है उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। देखते हैं अगला। 37th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज बोटनी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, बोटनी। ओके, तो अगला देखते हैं। 38th इज बुकवॉर्म। बुकवॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक ऐसा पर्सन सिर्फ जिसको बुक्स पढ़ना पसंद हो और कुछ भी पसंद ना हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा। ओके, अगला देखते हैं। 39th इज बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी ना उगता हो, ना वहाँ पर कोई बीज उगता है, ना किसी तरीके के कोई ट्रीज फ्रूट्स वगैरह उगते हों, तो उस जगह को हम बोलते हैं बंजर। ओके, अ प्लेस विच प्रोड्यूसेस नो फ्रूट और सीड। नेक्स्ट इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेख लिखने की कला, मीन्स एन आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। इमेज में देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगला देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 40 नंबर 1 इज कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसे लोग जो इंसानों का मांस खाते हैं, इंसानों को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। 42nd इज कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है पलटना। इमेज में आप देख सकते हो कि जो बोट है किस तरीके से पलट रही है, तो इसी को हम कैप्साइज बोलते हैं, इट मीन्स ओवरटर्न इन वॉटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो नक्शा बनाता है, नक्शे को ड्रॉ करता है, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप। अगला देखते हैं। 44th इज कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस खाए, फीडिंग ऑन फ्लैश। इसी तरीके से हर्बीवोरस होता है, आपने बचपन में पढ़े होंगे सारे, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस होता है जो पेड़ पत्तियां खाते हैं, ओके, फीडिंग ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स, और ओमनिवोरस होते हैं फीडिंग ऑन फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स, मतलब कि जो दोनों खाएं, मांस भी खाएं और प्लांट्स पे भी खाएं। तो कार्निवोरस मांसाहारी, हर्बीवोरस जो प्लांट्स वगैरह खाएं, और ओमनिवोरस जो दोनों खाएं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले की तरफ।
45th is कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट. एक ऐसा डॉक्टर जो हार्ट का ट्रीटमेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट. देखते हैं अगला. 46th is सेलिब्रेट. सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी. हम बोलते हैं ना कई बार बाल ब्रह्मचारी है वो. एक ऐसा पर्सन होता है सेलिब्रेट, वन हु हैज टेकन वाउ नॉट टू हैव सेक्स, जो कि जिंदगी भर कुवारा रहता है, कभी भी शादी नहीं करता. अगला देखते हैं. 47th is कॉनिसर. कॉनिसर का मतलब होता है कला या संगीत का पारखी. एक ऐसा पर्सन जिसको कला की अच्छे से पहचान हो. अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ आर्ट, उसे हम बोलेंगे कॉनिसर. अगला देखते हैं. 48th is congregation. congregation का मतलब होता है सत्संग. इट मीन्स गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स. किसी रिलीजियस प्लेस पर बहुत सारे वर्शिपर्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं पूजा करने के लिए या ऐसे किसी पर्पस के लिए, तब उस गैदरिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. 49th is contagious. contagious का मतलब होता है संक्रामक. एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैले या किसी के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है. विच स्प्रेड्स बाई फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट. अभी प्रेजेंट में आप सभी देख ही रहे हो कोरोना वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जो कि छूने से या किसी के कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है. सो वी कैन से कोरोना वायरस इज अ कंटेजियस डिसीज. लेट्स मूव टू द लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डे. हमारा आज का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कॉस्मोपोलिटन. कॉस्मोपोलिटन एक ऐसा पर्सन होता है हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो एक एकता में बिलीव करता है और मानता है कि पूरी दुनिया का निवासी है वो. तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? कॉस्मोपोलिटन. इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी खत्म होता है. आई होप आपको सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरी ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर किया है. इसी तरीके की मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि बहुत जल्द आएंगी, और उसमें भी मैं इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें. एंड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ.